भिंडी तो आप हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से दही मसाला भिंडी बना के देखिए। आप नॉर्मल वाली भिंडी खाना छोड़, हमेशा इसे ही बना के तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि अगर आपने एक बार बना लिया तो जो लोग आपके घर में भिंडी नहीं खाते हैं वो भी आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं और बच्चे तो आपके इसके दीवाने ही हो जाएंगे। रोज़ रोज़ आपसे ऐसे ही भिंडी बनाने की जिद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी चटपटी सी दही मसाला भिंडी। दही मसाला भिंडी बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने ली है भिंडी। भिंडी को धो करके कपड़े से पोंछ करके रख लिया। भिंडी में एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमने भिंडी ली है इन्हें कट करेंगे। आपको ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट पहले कट कर देना है और भिंडी को हम दो पार्ट्स में कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हल्का सा बीच में कट लगा देना है। एक और भिंडी में आपको कट करके दिखा रही हूँ। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे तीन पीसेस में भी कट कर सकते हैं। हल्का सा ऊपर से कट जरूर लगाना है आपको। देखिए इस तरीके से ऐसे ही सभी भिंडी को पहले हम कट कर लेंगे। सभी भिंडी को मैंने कट कर लिया है और ये देखिए इस तरीके के बड़े बड़े पीसेस में ही आपको इसे कट करना है। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से भिंडी के ऊपर मसालों को मिक्स करेंगे जिससे कि सभी भिंडियों के ऊपर मसाले अच्छे से लग जाएं। भिंडी के ऊपर मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम दही वाला मसाला तैयार करेंगे। आधा कप मैंने लिया है दही, दो टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, एक चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमने पहले भी ऐड किया है, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब सभी मसालों को दही के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वाला मसाला हमारा एकदम तैयार है। तब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस के ऊपर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच भर के ऑयल। भिंडी को हम फ्राई करने वाले हैं इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने भिंडी को मसाले के साथ में कोटिंग करके रखा है। एक बार चला देंगे। अब भिंडी को हमें 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है जिससे कि भिंडी हमारी 50% कुक भी हो जानी चाहिए। जब आप इस तरीके से भिंडी को फ्राई करके दही मसाला भिंडी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। भिंडी को फ्राई करते समय बीच बीच में आप इसे चलाते जरूर रहें जिससे कि सभी भिंडी हमारी प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए भिंडी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बस भिंडी को हम इतना ही फ्राई करेंगे। निकाल लेंगे भिंडी को अब हम। सेम उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाने। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे दही मसाला भिंडी में, तो आप मेथी ज़रूर डालें। दो हरी मिर्च ली है रफली चॉप करके, 1 सेकंड के लिए चला देंगे सभी को। 1 चम्मच मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ अदरक, उसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, एकदम फाइन चॉप करके लिया है। अदरक और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे हम। प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी में। चला देंगे एक बार। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने दही वाला मसाला तैयार किया है और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दही मसाला डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाना है वरना दही आपका फट सकता है। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए मसाले को भूनेंगे हम। भी आप दही डालें गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है या फिर आप 1 मिनट के लिए गैस को बंद भी कर सकते हैं। दही और मसाले को हमने लगातार चलाते हुए भूना है। ये देखिए मसाले में से सब तरफ से तेल रिलीज होने लगा है। तो एक बार वापस से चला देंगे और मसाले को आपको तब तक ही भूनना है जब तक कि मसाले में से तेल रिलीज नहीं हो जाता। ये देखिए सब तरफ से तेल सेपरेट होने लगा है। अगर आप दही मसाला भिंडी को सूखी बनाना चाहते हैं तो इसी में आप डायरेक्ट भिंडी ऐड करके मसाले के साथ में मिक्स कर सकते हैं।
और अगर आप ये भिंडी को ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो अभी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पानी को हमें एक बॉयल आने तक पकाना है। पानी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ में अच्छे से पका लिया है। और ये देखिए, पानी को पकाने के बाद भी ऑयल सब तरफ से अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो मसाले को आपको इतना ही भूनना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से। तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा था। अब भिंडी को भी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी को भी हमने मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ में भिंडी को और पकाएंगे, जिससे कि मसाले भिंडी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। भिंडी को आपको ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। 3 मिनट हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी दही मसाला भिंडी हमारी तैयार है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी सी दही मसाला भिंडी हमारी तैयार है। तो एक बार आप इसे इस तरीके से बना के देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।